Bee English Classes, your master key towards perfection. हेलो, वेलकम टू बीइंग इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पार्ट टू इस लेसन का, जिसका नाम है फ्रेडरिक डॉगलास, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू बिना किसी देरी के। द नियरेस्ट एस्टिमेट आई कैन गिव मेक्स मी नाउ बिटवीन 27 and 28 ईयर्स ऑफ एज। पिछली बार मैंने आप लोगों को पार्ट वन में सिखाया था कि फ्रेडरिक डॉगलास को और जितने भी फ्रेडरिक डॉगलास जैसे जो गुलाम थे, उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं थी। जो उनके मालिक थे वो उन्हें उनकी डेट ऑफ बर्थ बताते नहीं थे। जो फ्रेडरिक डॉगलास है उसे भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो वो अंदाजा लगा रहे। एस्टिमेट का मतलब होता है कैलकुलेशन, और यहाँ पर एस्टिमेट का मतलब होगा अंदाजा लगाना। तो वो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद जिस वक्त वो ये जो किताब लिख रहे थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेसन है वो एक किताब का छोटा सा हिस्सा है। तो जब वो किताब लिख रहे थे तो वो अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि मेरी जो उम्र होगी वो शायद 27 या 28 होगी। ठीक है, आई कम टू दिस फ्रॉम हियरिंग माई मास्टर से। आई कम टू दिस का मतलब होता है मैंने ये अंदाजा इसलिए लगाया कि मैंने अपने जो मालिक है उससे सुना था कि सम टाइम ड्यूरिंग 1835 आई वॉज अबाउट 17 ईयर्स ओल्ड। कि उनका जो मालिक था 1835 में, 1835 में फ्रेडरिक डॉगलास की जो उम्र थी वो 17 थी। तो यहाँ से उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मेरी उम्र होनी चाहिए 27 या 28। माई मदर वॉज नेम्ड हैरियट बेली। शी वॉज द डॉटर ऑफ आइजैक एंड बेट्सी बेली, बोथ कलर्ड एंड क्वाइट डार्क। फ्रेडरिक डॉगलास कहते हैं कि मेरी जो मम्मी है या मेरी जो मदर है उसका नाम हैरियट बेली है, और वो आइजैक और बेट्सी बेली की बेटी है। और आइजैक और बेट्सी बेली जो है वो दिखने में काफ़ी डार्क है, काले दिखाई देते हैं। अब आइजैक और बेट्सी बेली अगर हैरियट बेली के अम्मी अब्बा है या मदर फादर है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रेडरिक डॉगलास जो है वो आइजैक और बेट्सी बेली का ग्रैंड सन होगा। ठीक है, अगर इस तरह से मैं बताऊँ कि जो आइजैक जो है वो फ्रेडरिक डॉगलास के नाना होंगे और बेट्सी बेली जो है वो फ्रेडरिक डॉगलास की नानी होगी। माई मदर वॉज ऑफ अ डार्कर कॉम्प्लेक्शन देन आइदर माई ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर फ्रेडरिक डॉगलास कहते हैं कि जो मेरी मम्मी है वो मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यानी मेरे नाना नानी से भी ज्यादा डार्क थी। माई फादर वॉज अ वाइट मैन, ही वॉज एडमिटेड टू बी सच बाई ऑल आई एवर हर्ड स्पीक ऑफ माई पेरेंटेज। फ्रेडरिक डॉगलास एक चौंकाने वाली बात यह कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो दिखने में वाइट थे, और ये बात को मैंने अपनाया था, यानी ये बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पिताजी वाइट थे, क्योंकि सारे के सारे लोग जब भी मेरी पेरेंट्स के बारे में बात छेड़ते थे कोई भी, तो वो लोग कहते थे कि मेरे जो पिताजी है वो वाइट है। द ओपिनियन वॉज ऑल्सो विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब यहाँ पर होगा सीक्रेटली बात करना, छुप छुप के बात करना, इसे विस्पर्ड कहते हैं। दैट माई मास्टर वॉज माई फादर बट ऑफ द करेक्टनेस ऑफ दिस ओपिनियन आई नो नथिंग। द मीन्स ऑफ नोइंग वॉज विदहेल्ड फ्रॉम मी। विदहेल्ड का मतलब छुपाया जाना किसी से। तो जब भी बात निकलती थी मेरे फादर के बारे में तो लोग कहते थे कि जो मेरा मास्टर है यानी जो मेरे मालिक है वही मेरे फादर है, और इस बारे में मुझे पुख्ता सबूत नहीं थे मेरे पास, सिर्फ लोगों से मैंने सुना था और उसका कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास। माई मदर एंड आई वर सेपरेटेड व्हेन आई वॉज बट एन इन्फेंट। इन्फेंट ये एक दौर होता है इंसान में जब पैदाइश से लेकर 1 साल तक या 2 साल तक, उसे इन्फेंट कहा जाता है। बिफोर आई न्यू हर हैज माई मदर। फ्रेडरिक डॉगलास कहते हैं कि जब मैं लगभग 1 साल का हो गया था तब मुझे अपनी अम्मी से दूर किया गया था, जबकि मुझे माँ क्या होती है उसके बारे में मुझे ज़रा भी अंदाजा नहीं था। इट इज़ अ कॉमन कस्टम इन द पार्ट ऑफ मैरीलैंड फ्रॉम विच आई रैन अवे टू पार्ट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स एट अ वेरी अर्ली एज। फ्रेडरिक डॉगलास कहते हैं कि मैरीलैंड एक जगह है अमेरिका में जहाँ पर एक दस्तूर है, और दस्तूर ये है कि जब भी कोई गुलाम के खानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को काफ़ी कम उम्र में या 1 साल होने के बाद उसे अपनी अम्मी से दूर किया जाता है। फ्रिक्वेंटली बिफोर द चाइल्ड हैज़ रीच इट्स 12th month इट्स मदर इज़ टेकन फ्रॉम इट एंड हायर्ड आउट ऑन सम फार्म अ कंसिडरेबल डिस्टेंस ऑफ। कंसिडरेबल का मतलब होता है काफ़ी दूर। एंड द चाइल्ड इज़ प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ एन ओल्ड वुमन
टू ओल्ड फॉर फील्ड लेबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बच्चा किसी गुलाम के खानदान में पैदा होता है तो 1 साल होने के बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब उसे अपनी मम्मी से दूर किया जाता है और उस बच्चे को ऐसी औरत के पास दिया जाता है जो काफी बूढ़ी होती है। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो भी एक गुलाम ही होती है, लेकिन अब क्या होता है कि उम्र की वजह से वो जो गुलाम बूढ़ी औरत है वो खेतों में काम नहीं कर पाती, तो उसे एक और काम दिया जाता है जो कि जितने भी गुलाम बच्चे होते हैं 1 साल में जो पैदा हुए होते हैं उन सारे बच्चों की देखभाल करना और जो भी कुछ हो उसे वो काम दिया जाता है। तो जो बच्चा होता है जिसे माँ से अलग किया जाता है उसे ऐसी बूढ़े औरतों के हाथ में दिया जाता है देखरेख करने के लिए, और जो माँ होती है उसे उस बच्चे से काफी दूर भेजा जाता है किसी खेतों में काम करने के लिए। तो आप लोग अंदाजा लगाओ तो ये कितना मेंटल टॉर्चर हो सकता है, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर एक माँ और एक बच्चे के लिए, कि 1 साल होते होते ही ये बच्चे और माँ को एक दूसरे से अलग किया जाता है। फॉर वॉट दिस सेपरेशन इज डन आई डू नॉट नो अनलेस इट बी टू हाइंडर द डेवलपमेंट। हाइंडर का मतलब होता है रोकना या किसी चीज को स्टॉप करना, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स अफेक्शन टूवर्ड्स हिज मदर एंड टू ब्लंट एंड डिस्ट्रॉय द नेचुरल अफेक्शन ऑफ द मदर फॉर द चाइल्ड। दिस इज द इनएविटेबल रिजल्ट। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक डोगलास है उन्हें ये दस्तूर समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसे किया जाता है, क्यों माँ को अपने बच्चे से और बच्चे को अपने माँ से अलग किया जाता है। तो फ्रेडरिक डोगलास खुद सोचते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसा होगा कि वो माँ और बच्चे के बीच में जो एक प्यार भरा जो रिश्ता होता है उसे रोकने के लिए और बर्बाद करने के लिए ऐसे किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा माँ से अलग रहेगा काफी दूर और ज्यादा दिनों तक जब बच्चा अपनी माँ से अलग होता है तो क्या होता है कि बच्चे को अपनी माँ की जो एक ओढ़ होती है, जो एक अफेक्शन प्यार जो होता है वो धीरे 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 कम होने लगता है। और ठीक उसी तरह से जो माँ होती है वो शुरुआत के दौर में अपने बच्चे से ज्यादा लगाव लगाती है, लेकिन जैसे जैसे दिन जाने लगते हैं और दिन गुजरने लगते हैं तो माँ भी अपने बच्चे को भूल जाती है और फिर क्या होता है कि इन दोनों में जो प्यार होता है वो कम होने लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो कोई ऐसा बच्चा हो जो अपने माँ बाप से दूर रहा है, अपने चाचा चाची या मामा मामू मामी इस तरह के लोगों के साथ में बचपन से पला बड़ा और रहा है, तो लेकिन वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाता। तो क्या होता है कि आगे जाकर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा बच्चा अपने माँ बाप से कम लगाव लगाता है, यानी उसे अपने माँ बाप से ज्यादा लगाव नहीं रहता लेकिन उसे अपने मामा मामी या चाचा चाची से ज्यादा लगाव रहता है, क्योंकि वो बचपन से अब तक अपने चाचा चाची के साथ या मामू मामी के मामानी के साथ में रहता है। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जो बच्चा होता है अपनी माँ से दूर हो जाता है और माँ भी अपने बच्चे को धीरे धीरे वो जो अफेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं कि आई नेवर सॉ माई मदर टू नो हर हैज सच मोर देन 4 or 5 times इन माई लाइफ एंड ईच ऑफ दिस टाइम्स वॉज वेरी शॉर्ट इन ड्यूरेशन एंड एट नाइट। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने मदर को कभी देखा ही नहीं, मैंने अपनी माँ को ठीक तरीके से देखा ही नहीं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी माँ को नहीं देखा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जब भी अपने माँ से मिला हूँ तो मैं रात में मिला हूँ, और वो जमाना ऐसा था कि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी जिसकी वजह से वो ठीक से अपने एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 से 5 बार मैं अपनी माँ को मिला हूँ और ये भी जो मिलना था वो काफी कम समय के लिए था, और अक्सर मैं मिला हूँ तो मैं रात में ही मिला हूँ। शी वॉज हायर्ड बाय अ मिस्टर स्टूअर्ट हु लिव्ड अबाउट 12 miles फ्रॉम माई होम। शी मेड हर जर्नीज टू सी मी इन द नाइट, ट्रेवलिंग द होल डिस्टेंस ऑन फुट आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेज वर्क। फ्रेडरिक डोगलास कहते हैं कि मेरी माँ जो थी वो किसी ऐसे इंसान जिसका नाम मिस्टर स्टूअर्ट उसके वहाँ काम करती थी, और वो जो फासला था जो जहाँ वो काम करती थी मेरे यहाँ से 12 मील का फासला था, जहाँ मैं रहता था वहाँ से 12 मील की दूरी पर वो काम करती थी। तो 12 मील को अगर तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग मुझे लगता है कि 18 से 20 किलोमीटर हो जाएगा। और ये जब जो फ्रेडरिक डोगलास की जो माँ है वो अक्सर फ्रेडरिक डोगलास को मिलने के लिए आती थी रात में, पूरे दिन वो उस मिस्टर स्टुअर्ट के खेत में काम करती थी, थक जाती थी और रात में वो चलकर वो पूरा फासला तय करती थी अपने बेटे फ्रेडरिक डोगलास को मिलने के लिए। तो आप लोग सोचो कि वो जमाना कैसा था,
जहाँ जब ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, और कितनी तकलीफ जो गुलामों को झेलनी पड़ती थी। क्या हम ऐसा इस तरह की जो तकलीफें झेल सकते हैं जहाँ इतना मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर होता हो? तो सच्ची में अगर मैं ये कहूँ तो जो उस जमाने के जो गुलाम थे वो सच्ची में बहुत ग्रेट थे, क्योंकि उन्होंने फिजिकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर को झेला है जिसे झेलने की हमारी तो ताकत नहीं है। तो वो कहते हैं कि फ्रेडरिक डगलास की जो माँ है वो फ्रेडरिक डगलास को पूरे दिन भर काम करने के बाद रात में जब फ्रेडरिक डगलास की माँ उन्हें सोना चाहिए उस वक्त वो पूरी रात चलकर तय करती थी। अब 20 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, चलकर तय करने के लिए मुझे लगता है कि लगभग आपको 2 घंटे तो लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो 2 से 2.5 घंटे जाना और 2 से 2.5 घंटे फिर से लौटना अपने काम पर, यानी कि पूरी तरह से मैं कहूँ तो 5 या 5.5 घंटे वो पूरी रात चलती थी अपने बेटे को मिलने के लिए। और जब वो अपने बेटे को मिलती थी तो उसे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि ऐसा होता था कि वो एक शर्त पर अपने बेटे को मिलने जाती थी, और शर्त जो था जो शर्त थी वो ये थी कि शी वॉज अ फील्ड हैंड एंड अ विपिंग इज अ पेनल्टी फॉर नॉट बींग इन द फील्ड एट सनराइज अनलेस अ स्लेव हैज स्पेशल परमिशन फ्रॉम हिज और हर मास्टर टू द कॉन्ट्री, अ परमिशन विच दे सेल्डम गेट एंड वन दैट गिव्स टू हिम दैट गिव्स इट द प्राउड नेम ऑफ बींग अ काइंड मास्टर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक शर्त पर जो फ्रेडरिक डोगलास की जो माँ है वो फ्रेडरिक डोगलास को मिलने जाती थी, और वो शर्त ये थी कि सुबह होने से पहले, यानी सुबह की पहली किरण होने से पहले फ्रेडरिक डोगलास की जो माँ है वो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अगर वो वहाँ पर सुबह की पहली किरण के पहले अगर वहाँ पर वो मौजूद नहीं रही तो उसे विपिंग किया जाता था, यानी उसे काफ़ी दर्द भरे कोड़ों से यानी चाबुक उससे मारा जाता था। शी वॉज अ फील्ड हैंड, एंड अ फील्ड हैंड का मतलब होता है खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उसे फील्ड हैंड कहा जाता है। एंड विपिंग इज अ पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट। विपिंग का मतलब आप लोगों ने मूवीज में अक्सर देखा होगा, जब पुराने जमाने के अंग्रेजों के जमाने के जो मूवीज होते हैं जहाँ पर अंग्रेजों के अत्याचार वगैरह दिखाए जाते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा चाबुक कहते हैं उसे, चाबुक से खुले बदन पर या खुले पीठ पर मारा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं विपिंग इंग्लिश में। और ये जो परमिशन होती है ना जो सनराइज के पहले आना चाहिए, सनराइज यानी कि सुबह की पहली किरण, तो ये परमिशन अक्सर किसी गुलाम को नहीं दिया जाता। अगर 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 ऐसे किसी गुलाम को ये परमिशन दी गई हो कि वो सुबह सूरज निकलने के बाद आ सकता है, ऐसा जो मालिक होता है इस तरह के मालिक को जो अपने गुलामों को सूरज निकलने के बाद भी आ सके ऐसी परमिशन दी जाती है, तो ऐसे मास्टर को कहा जाता है काफ़ी काफ़ी नेक दिल मालिक, जिसका दिल काफ़ी नेक हो ऐसा समझा जाता है। बल्कि ऐसा होता नहीं है। आई डो नॉट रिकलेक्ट ऑफ एवर सीइंग माई मदर बाय द लाइट ऑफ डे। फ्रेडरिक डगलास कहते हैं कि मैंने, रिकलेक्ट का मतलब होता है याद करना, या तो वो कहते हैं कि मैंने कभी, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपनी माँ को दिन के उजाले में देखा हो। शी वॉज विथ मी इन द नाइट, क्योंकि वो अक्सर फ्रेडरिक डगलास को मिलने के लिए रात में आती थी। शी वुड लाई डाउन विथ मी एंड गेट मी टू स्लीप, बट लॉन्ग बिफोर आई वेक्ड शी वॉज गॉन विथ अ लिटिल कम्युनिकेशन एवर टुक प्लेस बिटवीन अस। तो फ्रेडरिक डगलास कहते हैं कि अक्सर वो मुझे रात में मिलने के लिए आती थी, क्योंकि दिन भर वो काम करती थी खेतों में, और रात का समय जो उन्हें मिलता था सोने के लिए, आराम करने के लिए, उस वक्त वो मुझे मिलने के लिए आती थी। और जब वो मुझे मिलने के लिए आती थी तो वो मेरे बाजू में सो जाती थी और मुझे प्यार से सहलाती थी और मुझे सुला देती थी। और मेरे और मेरी माँ के बीच काफ़ी कम वार्तालाप होती थी, काफ़ी कम बातचीत होती थी, क्योंकि वो चलकर और खेतों में काम करने की वजह से काफ़ी थक जाती थी। वेरी लिटिल कम्युनिकेशन एवर टुक प्लेस बिटवीन अस, डेथ सून एंडेड वॉट लिटिल वी कुड हैव व्हाइल शी लिव्ड एंड विद इट हर हार्डशिप एंड सफरिंग। तो फाइनली फ्रेडरिक डगलास कहते हैं कि ये जो भी मिलना था, ये जो जो भी छोटा मोटा जो मुझे मिलने के लिए आती थी उसे मौत ने रोक दिया, यानी कि मौत ने क्या किया, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, और इसी के साथ मेरी माँ की जो भी तकलीफ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि फ्रेडरिक डगलास का कहना ऐसा था कि वो जो ज़िंदगी जी रही थी वो बहुत दुख भरी ज़िंदगी जी रही थी, और इसकी वजह से मौत ने जो है वो मेरी माँ को इस चंगुल से छुड़ा लिया। शी डाइड वेन आई वॉज अबाउट 7 ईयर्स ओल्ड, वन ऑफ माई मास्टर्स फार्म नियर लीज मिल। आई वॉज नॉट अलाउड टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग हर इलनेस। एट हर डेथ
और बरियल। इमेजिन करो, सिर्फ सोचो कि कैसी जिंदगी फ्रेडरिक डोगलास ने निकाली है। फ्रेडरिक डोगलास कहते हैं कि मैं 7 साल का था तब मेरी जो माँ थी वो लीज मिल एक जगह है जहाँ पर फ्रेडरिक डोगलास का जो मालिक था उसकी जगह थी। वहाँ पर फ्रेडरिक डोगलास की जो माँ है वो अपनी आखिरी सांस लेती है। और फ्रेडरिक डोगलास ये भी कहते हैं कि जब मेरी माँ के आखिरी दिन चल रहे थे, जब वो बीमार थी, उस वक्त मुझे मैं अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं दिया गया था। और जब वो मेरी माँ फिर गुजर गई, मर गई, उस वक्त भी मुझे मिलने के लिए नहीं दिया गया। और फिर आखिर में जब मेरी माँ का जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, जमीन के नीचे मेरी माँ को जब दफन किया जा रहा था, उस वक्त भी मुझे मिलने का मौका नहीं दिया। तो आप सोचो कि कैसी जिंदगी फ्रेडरिक डोगलास से निकली होगी। ऐसी जिंदगी के हम निकाल सकते हैं। सोचो कि जो माँ जैसी जो शख्सियत है उसे मिलने भी नहीं दिया जाता, उसके आखिरी वक्त में उसका चेहरा भी नहीं देख सकते, तो कैसे कैसी जिंदगी फ्रेडरिक डोगलास से निकली होगी। शी वॉज गॉन लॉन्ग बिफोर आई न्यू एनीथिंग अबाउट इट। वो कहते हैं कि जब तक कि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाता, मैं जान पाता मेरी माँ कौन है, वो कैसी दिखती है, क्या करती है, कैसी रहती है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक मुझे वो जो मालूमियात मिलती थी, तब तक मेरी माँ मुझसे दूर चली गई थी। नेवर हैविंग एन्जॉयड टू एनी कंसिडरेबल एक्सटेंट हर सूदिंग प्रेजेंस, हर टेंडर एंड वॉचफुल केयर। वो कहते हैं कि मेरी माँ का जो, जैसे कि अक्सर सारे माएँ अपने बच्चों को प्यार देती है, दुलार देती है, और बहुत प्यार भरी जो जो सहलाना वगैरह होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे मेरी माँ से बचपन में ही दूर किया गया था। तो मुझे वो सारी चीज़ें अपनी माँ से नहीं मिली। आई रिसीव द टाइडिंग्स ऑफ हर डेथ विद मच द सेम इमोशंस आई शुड हैव प्रॉबेबली फेल्ट एट द डेथ ऑफ अ स्ट्रेंजर। तो ये जो लास्ट वाली जो लाइन है काफ़ी दिल को छू लेने वाली बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरी माँ गुजर गई है, मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है, तो उनका जो रिएक्शन था वो ऐसा था जैसे कि किसी अनजान इंसान की मौत की खबर वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये अनजान इंसान ही थे, कोई इमोशन नहीं था। अगर ऐसा हमारे साथ होता कि समझो हमारा कोई नज़दीक वाला रिश्तेदार या कोई इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं हमारे खानदान में, जब हम किसी इस ऐसे रिश्तेदार की खबर सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है? अक्सर हमारा रिएक्शन यही होगा कि हम अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हैं और हम बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। और अगर उसी उसी का उल्टा अगर सोचो, अगर हमें किसी ऐसे अनजान इंसान की मौत की खबर मिले तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? क्या हम उसी तरह से रोते हैं, गिड़गिड़ा कर या चिल्ला चिल्ला कर, सीना पटक पटक कर रोते हैं किसी के अनजान इंसान के मौत पर? हम नहीं रोते। ठीक उसी तरह से फ्रेडरिक डोगलास कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे कोई अनजान इंसान की खबर मैं सुन रहा हूँ, बल्कि वो खबर थी उसकी खुद की, अपनी माँ की। कॉल डज सडनली अवे, शी लेफ्ट मी विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटीमेशन ऑफ हु माई फादर वॉज। वो कहते हैं कि फ्रेडरिक डोगलास की जो माँ है उन्होंने जरा सा भी अंदाजा नहीं दिया फ्रेडरिक डोगलास के फादर के बारे में कि क्या कौन हो सकते हैं फ्रेडरिक डोगलास के फादर। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में फ्रेडरिक डोगलास को ये नहीं बताया कि फ्रेडरिक डोगलास के फादर कौन थे। द विस्पर डेट माई मास्टर वॉज माई फादर मे और मे नॉट बी थ्रू, एंड थ्रू और फॉल्स इट इज ऑफ बट लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस टू माई पर्पस, वाइल्स द फैक्ट रिमेंड इन ऑल इट्स ग्लेयरिंग ऑडियसनेस दैट स्लेव होल्डर्स हैव ऑर्डेंड एंड बाई लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट द चिल्ड्रन ऑफ स्लेव वुमन शैल इन ऑल केस फॉलो द कंडीशन ऑफ देयर मदर्स। देखो ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, ऐसे में छोटे में आपको मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाहते हैं। द विस्पर डेट माई फादर मास्टर वॉज माई फादर मे और मे नॉट बी थ्रू, एंड थ्रू और फॉल्स इट इज ऑफ बट लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस टू माई पर्पस, वाइल्स द फैक्ट रिमेन इन ऑल इट्स ग्लेयरिंग ऑडियसनेस दैट स्लेव होल्डर हैव ऑर्डेंड एंड बाई लॉ एस्टैब्लिश्ड That the children of slave woman shall all। तो जो फ्रेडरिक डोगलास है वो कहते हैं कि द विस्पर, विस्पर का मतलब होता है यहाँ पर कि जो बातचीत चलती थी, जो सीक्रेट बातचीत चलती थी मेरे पिताजी के बारे में, वो ये थी कि जो मेरे मालिक है वही मेरे मास्टर है। मे नॉट बी थ्रू, यानी हो सकता है कि ये सही हो या ये भी हो सकता है कि ये गलत हो, या दोनों में से एक कुछ भी हो सकता है।
it is of but little consequences to my purpose, while the fact remained in all its glaring odiousness that slaveholders have ordained. यहाँ पर ordained का मतलब होगा order और slaveholder यानी कि जो मालिक होता है और glaring odiousness का मतलब होता है यहाँ पर नफरत. ठीक है, तो फ्रेडरिक डोगला जो है वो कहते हैं कि ये जो ऑर्डर जो मालिक पास करते थे ये काफी नफरत भरी होती थी. जो मालिक जो होते थे उन्हें अपने गुलामों में ज्यादा नफरत दिखाई देती थी. काफी नफरत भरे अंदाज से वो अपने गुलामों को हैंडल करते थे, बातचीत करते थे. एंड बाय लॉ एस्टाब्लिश्ड, एंड बाय द लॉ एस्टाब्लिश्ड का मतलब होता है कि जो ये मालिक होते थे इन्होंने अपना खुद का एक लॉ तैयार किया था, एक कानून तैयार किया था. क्या कानून था ये? दैट द चिल्ड्रन ऑफ स्लेव वुमन शैल इन ऑल केसेस फॉलो द कंडीशन ऑफ देयर मदर्स. यानी कि लॉ ऐसा था, कानून ऐसा था, किसी गुलाम औरत की अगर लड़की पैदा होगी तो उस लड़की को भी अपने माँ के तौर तरीके और कदमों कदमों पर चलना होगा. यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो अक्सर ऐसा देखा है कि जो मालिक होता है वही फादर बनते हैं गुलामों के. यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो जो गुलाम होते हैं ना, तो कानून क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी औरत अपने बच्चे को पैदा करती है और वो अगर बच्चा एक लड़की हो तो वो जब लड़की बड़ी होती है तो उसे भी अपनी माँ की तरह खेतों में काम करना होगा. और साथ ही साथ जो मालिक होते हैं उन्हें अपने मालिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि गलत तरीके से ऐसी औरतों का इस्तेमाल करते हैं. यानी मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो मालिक होते हैं वो काफ़ी अपनी जो हवस होती है हवस उसे शांत करने के लिए वो फिजिकली इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और जिससे जो गुलाम औरतें होती हैं उन्हें बच्चा पैदा होता है. यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो मालिक होते हैं वो गुलामों से शादी नहीं करते लेकिन बगैर शादी के बच्चा पैदा करते हैं. ठीक है, उसे कहते हैं कि लस्ट का मतलब होता है हवस यहाँ पर, और ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर विकेट डिजायर प्रॉफिटेबल एज वेल एज प्लेजरेबल फॉर देयर फॉर दिस कनिंग अरेंजमेंट द स्लेव होल्डर इन केस नॉट अ फ्यू सस्टेन्स टू दिस स्लेव्स द डबल रिलेशन ऑफ मास्टर एंड फादर. तो ये जो पैराग्राफ है इसे मैं अगर छोटी अगर मैं इसे आपको एकदम ब्रीफली समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे औरतें जो गुलाम औरतें होती हैं उनके दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं. पहला इस्तेमाल तो ये होता है कि वो खेतों में काम करा कर प्रॉफिट कमाते हैं. तो यहाँ पर विकेट डिजायर प्रॉफिटेबल एज वेल एज प्लेजरेबल. प्लेजरेबल का मतलब होता है यहाँ पर सुख भोगना. तो अब ये सुख भोग किस चीज़ का रहे, वो जो औरतें होती है उसके जो बदन है उस बदन का सुख भोगते हैं लोग, प्लेजरेबल कहते हैं इसे. ठीक है, अपने हवस को शांत करने के लिए. तो ये दो तरीके होते हैं. तो इससे क्या होता है कि इसका जो आउटकम निकलता है यानी इसका जो नतीजा क्या होता है कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं ना ये बगैर बाप के बच्चे पैदा होते हैं, बगैर शादी के बच्चे पैदा होते हैं. ऐसे बच्चों को अक्सर कहा जाता है नाजायज बच्चे या हरामी बच्चे. इस तरह से गाली वाले जो वर्ड्स होते हैं ये लेकर नाम से पुकारते हैं. ठीक है, अक्सर नाजायज बच्चे ही कहा जाता है. तो ऐसे नाजायज बच्चे जो होते हैं वो आगे जाकर गुलाम बनते हैं फिर से. और ऐसे नाजायज बच्चों के डबल रिलेशनशिप होते हैं यानी कि या तो उनका जो मालिक है वही उनका फादर होता है, इस तरीके से. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है काफी टफ है. पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको छोटे से छोटे जितना आसानी से मैं आपको समझा सकूँ मैंने अपनी कोशिश की है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आई नो ऑफ सच केस एंड इट इज वर्थी ऑफ रिमार्क डेट सच स्लेव्स इनवेरिएबली सफर ग्रेटर हार्डशिप एंड हैव मोर टू कंटेंट विद देन अदर्स. तो जो फ्रेडरिक डोगलास है वो कहते हैं कि इस तरह के केस, कौन से केस, जहाँ पर जो मास्टर है, जहाँ पर जो मालिक है वही उसका बाप है, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं और मेरे सामने से गुजरे हुए हैं. एंड इट इज वर्थी ऑफ रिमार्क डेट सच स्लेव्स इनवेरिएबली सफर ग्रेटर हार्डशिप. और इस तरह के जो गुलाम होते हैं जिन्हें अपने बाप का पता नहीं होता, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जैसे मुझे करना पड़ा है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है ये जानने में और ये पता लगाने में कि उनका बाप कौन है. एंड आई हैव मोर टू कंटेंट विद देन अदर्स दे आर इन द फर्स्ट प्लेस अ कॉन्स्टेंट ऑफेंस टू देयर मिस्ट्रेस. ऐसे जो बच्चे होते हैं ना जिनके माँ बाप एक ही होते हैं, जिनके बाप और मालिक एक ही होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा जो मालिक होते हैं उसकी जो मालकिन होती है उसका सामना करना पड़ता है, जो नफरत का सामना करना पड़ता है. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? शी इज़ एवर डिस्पोज टू फाइंड फॉल्ट विद देम.
They can seldom do anything to please her. She is never better pleased than when she seems them under the lash. इसका मतलब ये हुआ कि जो मालकिन है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उसका जो पति है वो गुलाम लड़के को भी प्यार करे, क्योंकि क्योंकि वो जो मालकिन है वो चाहती है कि मेरा जो पति है वो मेरे ही बच्चे को प्यार करे, वो गुलाम बच्चे को ना प्यार ना करे। और इस वजह से वो हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि जो मेरा जो पति है इस गुलाम बच्चे को हमेशा सजा देते रहे, और इसी का फायदा उठाती है वो। यानी यही देखती रहती है, यानी यही मौका ढूंढती रहती है कि कैसे इस गुलाम बच्चे को मैं पनिशमेंट दूँ। और गुलाम बच्चा भले ही कितना भी अच्छा काम करे लेकिन वो मालकिन कभी भी खुश नहीं रहती। लेकिन वो एक बात पर खुश होती है, जब जो गुलाम बच्चा है वो जब कोड़े खाता हो, यानी जब वो पनिशमेंट लेता हो, चाबुक से मार खाता हो, उस वक्त वो काफ़ी खुश होती है। एक्स्पेशली व्हेन शी सस्पेक्ट्स हर हस्बैंड ऑफ शोइंग टू हिज मुलेटो चिल्ड्रन फेवर्स विच ही विदहोल्ड्स फ्रॉम हिज ब्लैक स्लेव्स। इसका मतलब वही जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मुलेटो का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जिसके दोनों में से एक माँ काली और दूसरी वाइट, ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं इस तरह के माँ बाप से, तो ऐसे बच्चों को मुलेटो कहा जाता है। द मास्टर इज फ्रिक्वेंटली कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स, टू सेल दिस क्लास ऑफ हिज स्लेव। दिस क्लास ऑफ स्लेव मतलब जो इसके नाजायज बच्चा होता है ना, उसे मुलेटो, मुलेटो बच्चा, उसे दिस क्लास ऑफ स्लेव कहा गया है यहाँ पर। तो अक्सर जो मालकिन होती है वो अपने पति को फोर्स करती रहती है कि वो इस बच्चे को कहीं और बेच दे, क्योंकि वो देखती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका जो पति है वो इस बच्चे को अपना प्यार दे, ठीक है, और दुलार दे। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वो मालिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी मालूम है कि ये जो मेरा बच्चा है ये मेरा खुद का बच्चा है, ठीक है, यानी ये मैं इसका बाप हूँ। द मास्टर इज फ्रिक्वेंटली कंपेल्ड टू सेल दिस क्लास ऑफ हिज स्लेव आउट ऑफ डिफरेंस टू द फीलिंग ऑफ हिज वाइट वाइफ एंड क्रूअल हैज द डीड मे स्ट्राइक anyone to be, for a man to sell his own children to human flesh mongers, it is often the dictate of humanity. और अक्सर क्या होता है कि जो मालकिन होती है ना वो अपने मालिक को, यानी अपने जो पति है उसे फोर्स करती है इस बच्चे को भेज दे, और मालिक फिर फाइनली जब ये देखता है कि इसका बच्चा काफ़ी मुसीबत में है और इस बच्चे को काफ़ी तकलीफ हो सकती है इस मालकिन के पास, तो फाइनली वो डिसीजन ले लेता है कि ये बच्चे को किसी और मालिक के हाथों भेज दे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पार्ट टू आप लोग को पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट में समझाइए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप लोग को पार्ट टू कहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस साथ में। थैंक यू वेरी मच।